भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग से सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट आज अपने संसदीय क्षेत्र दार्जिलिंग पहुंचे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी क्षण हो सकती है, इसलिए राजू बिष्ट का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दार्जिलिंग पहुंचते ही राजू बिष्ट ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमे के पुराने नेता एवं उनके संस्थापक सदस्य तिलक चंद रोका को भी उनके समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया। कुछ समय पहले ही तिलक रोका ने मोर्चा का दामन छोड़ दिया था। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता भास्कर डे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में उल्लेखित स्थायी राजनीतिक समाधान एवं 11 जनजातियों के मुद्दे को इस बार के चुनाव के बाद पूरा करने के बयान को भी राजू बिष्ट के लिए इस दौरे में चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी पार्लियामेंट के अंदर में बजट सेशन चल रहा है और देश के वित्तीय मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने इस बार बहुत अच्छा बजट पूरे जनता के समक्ष रखा और उसको मैं पूरा देश का बजट मानता हूँ। गांव, गरीब, श्रमिक से लेकर के युवा, बुजुर्ग और जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, सभी को उसके अंदर में समावित किया गया है। और दार्जिलिंग के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए विशेष करके दो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और सीतारमन जी का बहुत आभारी हूं। पहली बात तो 1000 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जो विशेष करके इस चाय बगान में जो हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, उनके और उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वह 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। उसी तरह से कलकत्ता से लेकर के सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर बनेगा, करीब 25,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनेगा, हाईवे बनेगा, और मुझे लगता है ये पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए, साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा विकास का नया मार्ग होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जितनी संसाधन नॉर्थ बंगाल में है या दार्जिलिंग में है, हमेशा उसकी उपेक्षा हुई है। कलकत्ता में जिसकी भी सरकार रही, दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स को और नॉर्थ बंगाल को लूटता रहा है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय बजट के अंदर में दो बड़ी घोषणाएं नॉर्थ बंगाल को लेकर के हुई। एक बार फिर मैं अपनी पार्टी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब जो आप तिलक चंद रोका ने ज्वाइनिंग किया है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, अभी हम दार्जिलिंग में मौजूद हैं और आज दार्जिलिंग के बहुत सारे विभिन्न पार्टियों के नेता कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन सब का मैं स्वागत करता हूं अपने परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। और मैं ऐसा मानता हूं, इतने सारे नेता, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता जिनको संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव था, जिन्होंने हमेशा दार्जिलिंग और तराई और डूवर्स की जनता के हितों के लिए काम किया, मुझे लगता है ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होगी। जितने भी लोग आए हैं, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से उनको और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जी की तरफ से एक बार फिर उन सब का मैं स्वागत करता हूं। आने वाले दिन में जो इलेक्शन के आगे में आप लोग मुद्दा फैसला करेंगे तो उसको क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि गोरखाओं के दो मुद्दे, दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान, और दूसरा जो गोरखाओं में छूटे हुए 11 सब ट्राइब्स हैं उनको जनजाति का दर्ज देना। और जब से मैं सांसद बना हूं, ईमानदारी से इसके लिए काम कर रहा हूं। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कितना मेमोरेंडम हमने चढ़ाया मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता उसमें ये है कि पिछले साल भर से
उसके अंदर में बहुत सीरियसली काम हुआ है और मैंने अपनी तरफ से जो काम करना था वो करके मैं भारत सरकार को सारी चीजें मैं सौंप चुका हूँ। आने वाले समय में समय और परिस्थिति देख करके भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार जल्द इसके ऊपर में फैसला करेगी और स्थायी राजनीतिक समाधान की जहां तक बात है, अभी तक तो बड़ा समस्या ये थी कि वार्तालाप करें तो किससे वार्ता करें, लेकिन हाल ही में गृह मंत्री से मिलकर के जितने भी हमारे सहयोगी दल के साथी थे, उनके अध्यक्ष थे, उनकी अच्छी वार्ता हुई है। उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं पब्लिकली मीडिया के थ्रू तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी बातें हुई वो दार्जिलिंग तराई और जनता और डुवर्स की जनता की हितों की बात हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में वो सब जो है आप सबके समक्ष होगा, लेकिन निश्चिंत रहिए भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा करेगी। क्योंकि आज देखिए बाजार में बहुत सारे लोग ये हल्ला कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं ये मानता हूं देर हुई है, इसमें कोई दोराई नहीं है कि हमारी जो समस्याएं हैं सालों से है, उसका समाधान जल्द होना चाहिए था, लेकिन शायद वैसी परिस्थिति, शायद अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। आज समग्र रूप से चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, आज समस्त वातावरण के अंदर में एक पॉजिटिविटी है, वो वातावरण बना है और मुझे लगता है जल्दी दार्जिलिंग और तराई और डुवर्स की जनता को न्याय मिलेगा।